All right, so Extraction 2 has finally released on Netflix today, and yaar kya movie banayi hai. So the story picks up after the end of the first part, jahan Tyler got shot in the neck and was declared clinically dead for 9 months. But now he is back, and is baar usko responsibility di jati hai to extract a Georgian family out of a prison. Ab wo kaun hai, what is their connection to Tyler, isko janne ke liye you need to watch the movie. पॉजिटिव्स की बात करें तो यार तुम लोगों को वन शॉट सीक्वेंस याद है जो हम इतना हाइप थे देखने को, भैया यहाँ तो आधी मूवी ही वन शॉट निकली. द मोमेंट टाइलर एंटर्स द प्रिजन वो वन शॉट शुरू हो जाता है एंड इट गोज ऑन फॉर 20 to 25 मिनट्स, जिसमें यू आर सो इन्वॉल्व इन द एंटायर फाइट कि आपकी एक सेकेंड भी नजर नहीं हटेगी स्क्रीन से. एंड दैट एंटायर सीक्वेंस इज कोरियोग्राफ्ड सो ब्यूटिफुली कि आपको हर एक मूव होता हुआ दिखेगा एंड मिनिमल बैकग्राउंड म्यूजिक हैज बीन यूज्ड सो दैट यू फील द रॉनेस ऑफ द हिट्स. उस सीन के अलावा भी द एक्शन हैज बीन कोरियोग्राफ्ड वेरी वेल बिकॉज ऑब्वियसली सैम हारग्रेव द डायरेक्टर हिमसेल्फ यूज्ड टू बी अ स्टंटमैन, एंड जब उस अंडरस्टैंडिंग को आप फिल्म मेकिंग के साथ मिक्स करते हो तब निकल के आती है एक ऑथेंटिक एक्शन थ्रिलर. प्लॉट की बात करें तो इट इज वेरी सिंपल जस्ट लाइक द ओल्ड वन, एंड शुरू में आपको लगेगा भी कि अब आगे क्या करेंगे ये लोग, बट द वे दे रेज द स्टेक्स कॉन्स्टेंटली इज कमेंडेबल एंड बांध कर रखती है ये मूवी थ्रू आउट इट्स 2 आवर रन टाइम. टाइलर के कैरेक्टर को इसमें और भी एक्सप्लोर करा गया है द वे ही इज डीलिंग विद हिज ट्रॉमा एंड इंजरीज, एंड इट ऑल्सो डज अ गुड जॉब मेकिंग यू फील कनेक्टेड विद द साइड कैरेक्टर्स एज वेल, स्पेशली निक हु हैज बीन माय फेवरेट सिंस द फर्स्ट मूवी. परफॉर्मेंसेज में तो फॉल्टर आ ही नहीं सकता व्हेन क्रिस हेम्सवर्थ इज इन्वॉल्वड, पर हाँ जो सिर्फ एक नेगेटिव मुझे लगा इस मूवी का वॉज द विलन. आई मीन हिज परफॉर्मेंस वॉज गुड पर ही वॉज नॉट एज फ्लैश्ड आउट एज रणदीप हुड्डा इन द फर्स्ट मूवी. सो विलन मोमेंट्स तो अच्छे थे पर वो डेंजर और थ्रेटनिंग वाली फील थोड़ी मिसिंग रह जाती है व्हेन ही इज ऑन स्क्रीन. इसके अलावा मुझे तो कोई नेगेटिव नहीं लगा यार इस मूवी में. इट इज टू द पॉइंट, कीप्स इट इन दैट स्वीट जोन एंड मेक्स श्योर कि आप इंजॉय करें पर ओवरवेलम ना हो एक्शन से. एंड येस अनपॉपुलर ओपिनियन बट आई एम लाइकिंग दिस फ्रेंचाइज मोर देन द जॉन विक वन, क्योंकि somehow मैं इन कैरेक्टर्स या इस टीम से ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ, प्लस द एक्शन ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स द प्लॉट विच इज ट्रू फॉर जॉन विक 2, पर उसमें आई गेट zoned आउट मोर ड्यूरिंग द एक्शन सेट पीसेज विच doesn't happen when आई एम watching दिस. द एंडिंग इज pretty सिंपल पर इट विल लीव यू pumped फुल ऑफ adrenaline, बिकॉज अगर इसका थर्ड पार्ट आया तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है उसमें. आई वुड रेट दिस मूवी 5 out of 5. आई थरली enjoyed इट एंड आई थिंक अगर इस वीकेंड कुछ देखना है तो आदि पुरुष छोड़ो, वॉच दिस एंड enjoy योर वीकेंड. ऑल राइट, सो आपको कैसी लगी एक्सट्रैक्शन 2 कमेंट्स में हमें जरूर बताना. एंड वी ऑल्सो रीड अ रिव्यू फॉर द फ्लैश एंड ब्लडी डैडी, यू कैन चेक इट आउट राइट हियर. एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन एंड वील सी यू नेक्स्ट टाइम.